हाय, दिस इज डॉक्टर जीर एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीर फार्मेसी। आज हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियसली हमने एक वो लेक्चर दी भी थी बायोफार्मास्यूटिकल सजेशन इन ड्रग प्रोडक्ट डिजाइंस के। उसमें हम डिजाइनेशंस करते हैं, उसमें प्रॉपरली कंसिड्रेशंस करते हैं। तो आज वही टॉपिक है, उसके सेकंड पार्ट है। उसमें फैक्टर इफेक्टिंग पड़ेगी कि कौन से फैक्टर्स हमारे पास जो है वो ड्रग प्रोडक्ट की डिजाइन को खराब कर देते हैं, उसकी ड्रग प्रोडक्ट की डिजाइन को स्टेबिलिटी उसमें फर्क ले आती, या उसके फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों को खराब करा देती है। तो आज वो हम डिस्कस करेंगे। लिटिल बिट सीवर हेयर, यहाँ पे है कि पीके एयर पीच प्रोफाइल्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। अगर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को आप खराब करना चाहते हैं एक ड्रग्स की, तो उसकी पीके वैल्यू पीएच वैल्यू पे वो फोकस ना कर ले, तो जाहिर बात है उस बेस पे आपकी जो है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज खराब हो जाती है। पार्टिकल साइज मोस्टली मैटर्स करती है यहाँ पे, कि जितना फाइन पार्टिकल साइज हो, डिक्रीज पार्टिकल साइज हो, इतना ही उस ड्रग प्रोडक्ट्स की जो है वो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाती है, तो वो डिसइंटीग्रेशन डिसोल्यूशंस और एब्जॉर्प्शन के लिए अच्छी हो जाती है। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म जिस ड्रग्स की हैबिलिटीज दे हैव डिफरेंट चेंज या डिफरेंट कलर्स, सॉरी कलर नहीं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं और डिफरेंट साइज के, तो जो है वो उसमें स्टेबिलिटी की चांसेस बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम आती है। अगर उसमें तीन स्ट्रक्चर्स है, तीन शेप्स है, तो उसमें हो सकता है कि एक की जो है वो स्टेबिलिटी पर्पस 85% हो, या 80% या अराउंड अबाउट 90%, और जो है दो होती है तो उसकी पॉलीमॉर्फिज्म में फर्क आ सकती है, उसमें स्टेबिलिटी में फर्क आ सकती है। पॉलीमॉर्फिज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ओवर हियर फॉर दिस मेनी पर्पस, फॉर द फैक्टर्स विच वी किप्ट इन अवर माइंड्स फॉर द ड्रग प्रोडक्ट डिजाइन्स ड्यूरिंग द ड्रग प्रोडक्ट डिजाइनेशन। अच्छा, हाइग्रोग्लोबिसिटी वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो सब्सटेंसेस जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करती है, तो वो भी इम्पोर्टेंस होती है यहाँ पे, अगर स्टेबिलिटी के लिए वो भी एक इम्पोर्टेंट पर्पस है। अगर एक चीज़ है वो ज़्यादा जो है वो हाइग्रोस्कोपिक है, तो उसकी स्टेबिलिटी खराब हो जाती है वो द सब एक्सटेंड या दियर शेल्फ लाइफ, बिटवीन द शेल्फ लाइफ, तो वो हो सकती है कि उसमें स्टेबिलिटी की चांसेस खराब हो जाए। पोटेंशियल कोफिशिएंट, आयल एंड वाटर सॉल्युबल्स एफिनिटी विच रिलेट्स हम करते हैं, तो इसे बहुत इंपॉर्टेंस कि ड्रग्स अगर वाटर सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो, और आयल सॉल्युबिलिटी उसकी कम है, तो जाहिर बात है उसकी एब्जॉर्प्शन जो कि आपके स्टमक के लाइनिंग से हो रही है, तो वो जाहिर बात है वो खराब हो जाती है। अगर पार्टिशन कोफिशिएंट उसकी हाफ हाफ है, तो वो इज वेल गुड, और वो इजीली जो है वो डिफ्यूज हो सकता है फॉर द एब्जॉर्प्शन फेनोमेना, फॉर द जीआईटी से लेके आपकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अच्छा, एक्सीमेंट इंट्रैक्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम उसमें डिटेल के साथ बात भी करेंगे कि एक्सीमेंट इंट्रैक्शन के अगर एक्सीमेंट आपके ड्रग्स के साथ कंपेटेबल से है तो वेल गुड, अगर कंपेटेबल नहीं है तो वो होल और शेल्फ लाइफ उसकी खराब हो जाती है। इट्स मीन कि उसकी जितनी भी शेल्फ लाइफ है, उसमें वो प्रोडक्ट्स प्रॉपरली आपने शेल्फ लाइफ पूरी नहीं कर सकता, या अगर आप वो प्रोडक्ट्स ले लेते हैं अपनी बॉडी में, तो वो जाहिर बात है वो जाके आपकी इक्विस्पिडिव्स में या जेआईटी में वो उसकी प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन भी नहीं करा देती, क्योंकि उसकी कंपैटिबिलिटी इतनी नहीं है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है पीएच स्टेबिलिटी प्रोफाइल से। पीएच इज द मोर इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि हम पीएच को मोस्टली वो इतने ही रख देते हैं जितना हमारे पास स्टमक की एंजाइम्स या स्टमक पीएच है, और उस बेस पे हम जो है वो ड्रग की डिजाइनेशंस करते हैं। आपके बॉडी की पीएच के साथ एक ड्रग की पीएच कंपेटेबल्स होनी चाहिए। अच्छा, इम्प्योरिटी प्रोफाइल जिस तरह आपने वो भी कल भी डिस्कस की थी कि जी ये हम टेस्टेड या सेफ्टी के लिए पर्पस के लिए हम करते हैं। अगर एक चीज़ की प्योरिटी ज़्यादा है, इम्प्योरिटी अगर ज़्यादा है, तो जाहिर बात है वो इम्प्योर नेचर ऑफ द ड्रग विल बी होगी, क्रूड ड्रग्स होगी। क्रूड ड्रग्स इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, एंड क्रूड ड्रग्स विल नॉट एब्जॉर्ब इजली दैट हैव अदर्स एक्सीपेड एज वेल, तो हो सकता है उसकी स्टेबिलिटी चांसेस खराब हो जाती है, या इट्स मीन दिस इज अ फैक्टर विच वी किप्ट इन अवर माइंड ड्यूरिंग द ड्रग डिजिग्नेशन या ड्रग डिजाइनिंग के प्रॉपर हम लोग अपने किप्ट इन माइंड रखते हैं। अच्छा, क्लैरिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे, कि द प्रिंस ऑफ क्लैरिटी बी शो द आइस मस्ट हैव डिफरेंस इन फार्माकोडायनामिक एक्टिविटी। तो आपके जब भी एक कार्बन एटम के साथ डिफरेंस फोर अदर एटम्स अटैच हो जाते हैं, उसको हम कायरलिटी बोलते हैं। अगर एक चीज कायरल है या एक ड्रग कायरलिटी है उसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से, तो ये आपकी फार्माकोडायनामिक एक्टिविटी को अलग अलग ले जाती है। आप जितने भी एसएआर जो एक्टिविटीज हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो उसी बेस पे पढ़ते हैं कि जी इसकी फंक्शनल ग्रुप है मिथाइल फंक्शनल ग्रुप है,
और ड्यू टू दिस मिथाइल ग्रुप्स हम कहते हैं कि जी इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है क्योंकि इट इज़ द लाइपोफिलिक नेचर. सम ऑफ द ड्रग्स विच इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स तो हो सकता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर है, तो बाय द एक्वस मीडियम्स अगर वाटर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो इट्स मीन उसकी वो इजीली सॉल्युबल हो जाती है. वन ऑफ द अदर फिनोमेना अगर हाइड्रोकोमिसिटी ज़्यादा है सॉरी हाइड्रोफिलिसिटी ज़्यादा है तो वो इसीलिए आपकी बॉडी से इजीली एक्सक्रीट भी हो सकती है. एंड अगर लिपोफिलिसिटी है तो वो फॉर द टाइम बीइंग से टाइम ज़्यादा लेगी क्योंकि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होती है तो वो स्टमक को आपकी जो किडनी होती है उसको प्रॉपरली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करा देती है और वो इजीली उसको ग्लोबुलर फिल्ट्रेट के थ्रू एक्सक्रीट आउट नहीं होने देती. तो इसकी वजह से बेस पे हम कार्डियोटिप में जाते हैं, सीआर एक्टिविटी उसकी फार्माकोडायनामिक एक्टिविटीज में जाते हैं. अच्छा ये तो आपकी पूरी 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 की चार्ट आप अभी डिस्कस करेंगे. इससे आगे जो कौन से फैक्टर्स हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इज एक्सीपिएंट्स जो कि हम वो किप्ट इन माइंड करते हैं. तो एक्सीपिएंट इज एडेड टू द फॉर्मुलेशन टू प्रोवाइड सर्टेन फंक्शनल प्रॉपर्टीज टू द ड्रग्स ऑफ डोजेज फॉर्म. एक्सीपिएंट्स आल्सो अफेक्ट ड्रग परफॉर्मेंस. तो ये इम्पोर्टेंस होती है क्योंकि आप जितने भी ड्रग्स एपीआईज बना लेते हैं तो उसके साथ आप जरूर फॉर द एब्जॉर्प्शन फिनोमेना फॉर द एज ए लुब्रिकेशन क्या उसकी प्रॉपरली लुब्रिकेट हो जाती है या उसमें कुछ ऐसे एक्सीपिएंट्स अदर डालते हैं ताकि उसकी प्रोडक्ट्स की प्रॉपरली प्रॉपर शेप बच जाती है. तो उस बेस पे आप उसको एक्सीपिएंट्स डालते हैं. लेकिन एक्सीपिएंट्स इफ दिस एक्सीपिएंट विल कंपेटेबल विद यूर ड्रग्स तो विल गुड, अगर नहीं है तो हम वो डिस्कस करें. अच्छा सम ऑफ दिस फंक्शनल प्रॉपर्टीज एक्सीपिएंट आर यूज्ड टू इंप्रूव द मैनेजेबिलिटी ऑफ द डोजेज फॉर्म स्टेबलाइज द ड्रग्स ड्रग अगेंस्ट डिग्रेडेशन वो उसको डिग्रेडेशन से बचाती है. अगर एक्सीपिएंट्स कंपेटेबल से डिक्रीज गैस्ट्रिक इरिटेशन से वो गैस्ट्रिक इरिटेशन को उसको के साथ कम कर देते हैं. कंट्रोल द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन उसके खास रेट के साथ उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करा देती है. इंक्रीज ड्रग बायो अवेलेबिलिटी तो आपके साथ की ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी भी ज्यादा कर देती है. तो ये तो आपकी हो गई अच्छे एक्सीपिएंट्स या वेल कंपेटेबल एक्सीपिएंट्स. अच्छा एक्सीपिएंट्स इन द ड्रग प्रोडक्ट्स आर आल्सो अफेक्ट द डिसोल्यूशन काइनेटिक्स ऑफ द ड्रग अल्टरिंग मीडियम विच द ड्रग्स डिजॉल्व इन रेडियोएक्टिव ड्यूरिंग इटसेल्फ. तो आपकी बॉडी में अगर एक्सीपिएंट्स कंपेटेबल नहीं है तो उसकी डिसोल्यूशन काइनेटिक्स में भी फर्क आ सकती है, इफेक्ट हो सकती है क्योंकि वहाँ पे जितनी भी आपकी गैस्ट्रिक मीडियम्स होती है उसमें प्रॉपरली उसकी डिसोल्यूशन नहीं होती तो उससे आपकी जाहिर बात है वो आपकी एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं होती. जाहिर बात है एब्जॉर्प्शन फिनोमेना के बाद उसकी डिसोल्यूशन उसकी मेटाबॉलिज्म ये चीजें प्रॉपर नहीं होती तो आपको ये फार्माकोडायनामिक एक्टिविटी या बायोअवेलेबिलिटी अच्छी नहीं आती. तो ये भी एक फैक्टर से अच्छा अदर एक्सीपिएंट्स सस्पेंडिंग एजेंट्स अगर इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द व्हीकल्स दिस डैमेज द रेट ऑफ डिसोल्यूशन फ्रॉम सस्पेंशन. ये दूसरी बात यहाँ पे है कि जी हम सस्पेंडिंग एजेंट आते सस्पेंडिंग एजेंट्स मीन्स कि आप जितने भी सस्पेंशन बना लेते हैं तो उसमें फॉर द सस्पेंडिंग पार्टिकल्स उस पर वो करते हैं लेकिन उसकी डिसोल्यूशन एक्टिविटीज अच्छी नहीं होती तो ये पे आप टिकट मार्ड रख देते हैं. अच्छा टैबलेट्स लुब्रिकेट्स अगर सच एस मैग्नीशियम स्टीरॉइड्स रिपेल वाटर रिड्यूस डिसोल्यूशन तो आपके लुब्रिकेट्स जितने भी आप ड्रग्स में डालते हैं एपीआई के साथ तो वो आपके वाटर की रिपेलिंग करते हैं तो उसकी वजह से आपकी प्रॉपरली जो है वो नहीं होती एब्जॉर्प्शन सॉरी डिसोल्यूशन नहीं होते. अच्छा कोटिंग्स पार्टिकुलरली शिलैक ये लाइक ये आपकी डिसोल्यूशन रेट को कम करा देती है. अच्छा इंक्रीज द रेट ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन वेयर्स द हाईएस्ट सर्फेक्टेंट कंसेंट्रेशन श्रिंक टू फॉर्मिसिस विद द ड्रग एंड डिक्रीज द डिसोल्यूशन रेट. अगर आप यहाँ पे ड्रग डिसोल्यूशन के लिए हाई माइसिस या सस्पेंडिंग एजेंट्स डालते हैं माइसिस उसमें दो फेनोमेना होती है या दो साइड्स होती है एक हाइड्रोफिलिक इनवर्ट लाइपोफिलिक लेजर्स होती है तो उसकी बेस पे आपकी उसकी रिजोल्यूशन या स्टेबिलिटी पर्पज के लिए हम डालते हैं तो उसके साथ भी रिजोल्यूशन रेट इफेक्ट्स हो सकती है. अच्छा एक लार्ज पार्टिकल ड्रग्स है एज अ स्मॉल सर्फेस एरिया तो उसकी स्मॉल सर्फेसिस की वजह से उसकी प्रॉपरली रिजोल्यूशन नहीं होती क्योंकि स्मॉल पार्टिकल्स आपके लिए चाहिए फाइन पार्टिकल जितने भी हो तो उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है उसकी रिजोल्यूशन अच्छी होती है उसकी डिसइंटीग्रेशन अच्छी होती है और उसकी बॉडी में और भी इफेक्ट्स अच्छे आते हैं. अच्छा ड्रग्स की उसकी पोअर डिसइंटीग्रेशन से तो जाहिर बात है वो अभी आपकी बॉडी में इफेक्ट ले आते हैं. सब एक्सीपिएंट्स लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट्स मूचे द पीएच अगर पीएच आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जो कि हम डिस्कस भी कर चुके हैं तो ये भी एक है कि पीएच की वजह से आपकी बॉडी में ड्रग्स की प्रॉपरली
रिजोल्यूशन नहीं होती। एस्पीरिन इज अ वीक एसिड्स वेल फॉर्मुलेटेड विद द सोडियम बाइकार्बोनेट्स विल फॉर्म अ वाटर सॉल्युबल साल्ट इन क्लोराइड मीडियम्स एंड रैपिडली डिजॉल्व। जो कि हम डिस्प्लिन की यहाँ पे एक साल मिसाल देते हैं कि जी वो आपके साथ वीक एसिड्स है, लेकिन जब भी वो सोडियम बाइकार्बोनेट्स इसमें बेस के साथ अटैच हो जाती है तो उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी अल्कलाइन मीडियम में अच्छी हो जाती है, तो रैपिडली डिजॉल्व हो जाता है। तो ये भी एक कैप्टन माइंड साहब रख लेंगे कि जी इस वीक एसिड के साथ हम क्या करेंगे या वीक बेस के साथ हम क्या करेंगे। अच्छा, सॉलिड ड्रग डिजॉल्व्स रैपिडली द रिएक्टिव्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स वे हाई वर्स वैल्यू डिफ्यूज इन बल्क क्वांटिटीज। तो ये मुख्तलिफ रीजन हो सकते हैं, जी आपकी पार्टिकल साइज इतनी होनी चाहिए, आपकी ड्रग्स की पीएच इतनी हो जाए, या आपकी ड्रग की डिसइंटीग्रेशन टाइम इतनी होनी चाहिए, आपकी ड्रग्स की पार्टिकल साइज फाइन होनी चाहिए, जिस तरह आपने और भी डिस्कस की है। तो ये प्रॉपरली हम आप अपने जहन में रख लेते हैं कि जी इस बेस पे हम जाके अपने ड्रग की वो डिसइंटीग्रेशन जो ये चीजें सारे हम वो अपने जहन में रखते। तो ये तो आ गई आपकी जो वो है। अच्छा, ये तो आपकी हो गई वो ड्रग्स की फैक्टर्स। हाँ, जैसे कि फैक्टर्स यहाँ पे आ जाते हैं हम वो ड्रग प्रोडक्ट स्टेबिलिटी। तो ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए हम फॉर एग्जांपल अगर आप एक ड्रग्स को वो उसकी कहते हैं कि जी इसकी इतनी एक्सपायरी है। फॉर एग्जांपल आप लोग कहते हैं ना कि जी अभी आज जो है वो 7 है, तो कहते आप लोग कहते हैं कि जी इसकी ड्रग्स की हाफ लाइफ सॉरी शेल्फ लाइफ या एक्सपायरी जो है वो 2024 है। 2024 मीन्स के 2024 तक है। तो आप इसको किस तरह वो कर लेंगे? तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्यूसी में अपने जो प्रोडक्ट्स आप डिजाइन करते हैं आज, तो उसकी टेस्टिंग करा देते हैं। ड्रग स्टेबिलिटी टेस्टिंग होती है, ड्रग प्रोडक्ट स्टेबिलिटी आप चेकअप करते हैं कि जी आप एक ड्रग्स बना लेते हैं, उसको आप प्रॉपरली एक खास टेम्परेचर में स्टोर करके उसकी एश्योरिटी लेते हैं कि जी ये ड्रग्स वाकई उस टाइम पर स्टेबल होगा कि नहीं। अगर स्टेबल नहीं है तो उस प्रोडक्ट भी जो है वो एक्सपायरी खराब हो सकती है अगर आप उसको प्रोडक्ट लॉन्च करें ड्यूटी मार्केट्स में। तो पहले आपको ड्रग की प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी वो चेकअप करनी चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक ड्रग्स जितनी भी मार्केट में आते हैं तो वो आप 20 से 25 ईयर्स तक लेते हैं उसकी प्रोडक्ट स्टेबिलिटी में। तो उसके बाद भी उसकी हो सकता है वो मार्केट से विड्रा हो जाए। लाइक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि जेंटेक ड्रग्स थी 20 ईयर्स जेंटिक ड्रग्स थी लास्ट ईयर, वो जो है वो NMDA रिसेप्टर्स पे काम करती थी तो उसे कैंसर काज हो जाती है। तो उसकी वजह से उस कैंसर फिनोमेना में आज वो जो है वो सारी दुनिया में ड्रग बैंड लास्ट ईयर FDA वाले ने उसे बैन किया था। तो ये है प्रोडक्ट स्टेबिलिटी। अच्छा, यहाँ पे वो डिस्कस करेंगे कि क्या होती है द क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स ओवर ऑल प्रोडक्ट क्वालिटी गिवन इट डिफाइन इज द टाइम पीरियड बाय विच प्रोडक्ट क्वालिटी सेफ्टी एंड इफेक्टिव आर इश्योर्ड। वो टाइम जिसमें आपकी ड्रग्स की प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी हो या वो बरकरार रहे या उसकी सेफ्टी बरकरार रहे या उसकी इफेक्टिवनेस इश्योर हो वो भी बरकरार रहे, तो उस प्रोडक्ट को हम ड्रग प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कैटेगरीज में जाते हैं। हम उस प्रोडक्ट को अच्छी स्टेबिलिटी या उसको अच्छी प्रोडक्ट्स कहते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट स्टेबिलिटी इज यूजुअली डिटरमाइंड बाय टेस्टिंग हम करते हैं वेराइटी जिसमें हम ड्रग की पोटेंसी फाइंड आउट करते हैं ड्यूरिंग द सर्टन ईयर्स तक, इम्प्योरिटीज चेक करते हैं, डिजोल्यूशन एंड रेलिवेंट फिजिको केमिकल मेजर ऑफ द सब परफॉर्मेंस एंड रिसिस्टेंस स्टेबिलिटी। जितने भी वेल कंट्रोल स्टडीज है टेस्टिंग लेबोरेटरीज में उसको प्रॉपरली हम हर महीने उसके लिए टेस्ट करा देते हैं। जितनी भी प्रोडक्ट हमारे पास स्टोर्ड होती है इन क्यूसी लैब में, तो अप टू उसकी लास्ट वो या शेल्फ लाइफ या जितनी भी होती है वो जो है वो एक्सपायरी लाइफ तक उसकी हम टेस्टिंग कराते हैं। अगर उस टेस्टिंग में वो कामयाब रहा एट खास टेम्परेचर पे इन सच इज इन्वायरमेंट इफेक्टिव टेम्परेचर में उसकी प्रॉपरली ह्यूमिडिटी में ऑक्सीजन में एंड लाइट में, तो वो प्रॉपर आपके पास वो ड्रग स्टेबल होती है। अगर उसमें भी वो फेल हो जाता है तो उस प्रोडक्ट को हम फिर लॉन्च नहीं कर सकते, उस प्रोडक्ट को आगे उसमें काम कर देते हैं कि जी इसमें जो इम्प्योरिटीज डाली है या एक्सीपिएंट डाले हैं उसको प्रॉपरली चेंज कर ले। अगर वो एक्सीपिएंट्स के थ्रू उसकी स्टेबिलिटी खराब है तो उसकी एक्सीपिएंट चेंज कर ले, अगर वो नहीं है तो लुब्रिकेट स्कोरिंग और भी एक्सीपिएंट्स होते हैं तो वो चेंज कर लेते हैं। उसके फिनोमेना उसके बाद हम उसकी दोबारा टेस्टिंग को लिए ले जाते हैं और उसके लिए प्रॉपर टेस्ट कराते हैं, तो उसे हमें पता चल जाता है कि जी ये ड्रग प्रोडक्ट स्टेबल है कि नहीं इन द फ्यूचर ऑफ लाइफ पे।
अच्छा, द टाइम पीरियड बाय हर ड्यूरिंग विच आर ड्रग प्रोडक्ट्स इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन विद इन द एस्टेब्लिश प्रोडक्ट्स क्वालिटी स्पेसिफिकेशन एंड द रिलेवेंट स्टोरेज कंडीशंस इज टर्म इज द शेल्फ लाइफ। वो शेल्फ लाइफ या वो लाइफ जिसमें आपकी ड्रग्स हुए प्रॉपरली लेबल स्टोरेज जो भी आपने कही है स्पेसिफिकेशन में कि उस टाइम तक वो स्टेबल रहे, तो उसको हम प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ कहते हैं। हाई ओवर दिस टाइम इज ऑफन यूज फॉर इंटरचेंजेबल विद एक्सपायरेशन डेट, एक्सपायरी डेट या एक्सपायरेशन डेट। तो ये टर्म इंटरचेंजेबली हो सकती है इन द एक्सपायरेशन डेट। तो ये आपकी हो सकती है। अडिशनल अबाउट द क्या है हमारे पास ड्रग्स की फैक्टर्स थी कि कौन से फैक्टर आपने जहन में रख लिए, और इसके बाद इंशाल्लाह हम ड्रग की कंसिडरेशन पढ़ेंगे, उसके टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स भी, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है, और इंशाल्लाह इसके आपकी जो चैप्टर्स है वो खत्म हो जाती है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।